मेरा नाम सुदामा है सर। सुदामा जी कहाँ रहते हैं आप? मैं सांकराम रहता हूँ। अच्छा, क्या थाना कौन सा लगता है आपको? मेरा दादो थाना। किस तरीके का मामला हुआ है आज जो मुलजिम जो पुलिस के हाथ से छूट गए? ये वांछित थे, ये शराब के मामले में वांछित थे ये मुलजिम। इनको पुलिस पकड़ने के लिए आई थी, तो पुलिस जब उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद में उनकी पुलिस वालों की मार कुटाई करी, पथराव किया है। दरोगा जी उसमें ज़्यादा चोट आई है उनके सर में। और कितनी देर लगभग पथराव चला होगा? करीब 30 मिनट के लगभग चला है। लगातार पथराव? लगातार चला है। गांव वालों ने बचाने का कुछ प्रयास किया गया? गांव वालों ने किसी ने खैर नहीं बचाया, और पुलिस का और उनका भी पथराव चलता रहा। गांव वाले लोग तो डर गए देख के। अच्छा, क्या कारण है, इनके हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? तो गांव वालों भी इनकी मदद, इनके हौसले नो बुलंद हो रहे हैं कि ये चौकी पर भी गए थे, चौकी पर भी इन्होंने पुलिस वालों की मारपीट की थी और कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। हुई थी लगभग करीब एक साल पहले, कई बार हो चुकी है पुलिस से वारदात इनकी। और लगभग कितने पुलिसकर्मी घायल हुए होंगे? लगभग दो लेडीज हैं शायद, और एक SI हैं, और दो पुलिस वाले हैं। चोट सबके। पथराव छत से किया गया? पथराव छत से किया गया, ईंटों से। और जो गिरफ्तार कर लिए थे जो लाखन सिंह जो बता रहे हैं, उनको छुड़ा लिया गया? उनको छुड़ा लिया गया, जागन सिंह। बबलू, क्या पिया है आपने आज? मैं शराब पीता हूँ, जिंद रहता हूँ ऊपर। शराब कौन सी पीते हो आप, कच्ची या पक्की? कच्ची। कहाँ मिलती है? सब बताना मिलती है। कहाँ पे? मैं नहीं जानता। कितने रुपए की थैली मिलती है, कितने रुपए की बोतल मिलती है? 20 रुपए की मिलती है। 20 रुपए तो पकड़ो। 20 रुपए की मिलती है आपको? तो कितनी पी ली आपने? अच्छा, कौन देता है आपको, देता कौन है? अरे कौन है आपको, ये तो बताओ। किसके यहाँ से लेके आए थे? ये कई जगह है गाँव में। नाम क्या? सांकरा में मिलती है? मैं नहीं जानता नाम, मैं कहाँ बता रहा हूँ। तो आप ही ले, तो कितने लोग ले जाते होंगे, लोग कितनी बिक जाती होगी जानकारी? पता नहीं कुछ इस बारे में। अच्छा, आपने कितनी पी थी? मैं तो रोज पी रहा हूँ। अच्छा, रोज मिलती है थैली? कितने साल से पीते हुए आ रहे हो? अरे एक आधा, एक हफ्ता। ब्रजेश यादव। कहाँ रहते हैं? सांकरा में रहता हूँ। दादो। आप प्रधान है गाँव के? जी। प्रधान जी, किस तरीके का मामला हुआ, क्या है पूरा मामला? भाई साहब, ऐसा हुआ था कि आज से 2-2.5 महीने पहले ये जागन का परिवार पाली थाना क्षेत्र में, ये पाली थाना क्षेत्र हमारी सीमा से लगा हुआ है, दादों की सीमा से लगा हुआ है, इसमें ये बहुत बड़े पैमाने पर दारू का धंधा करता था, जो 250 लीटर से लेकर 450 लीटर तक दारू कच्ची वाली इसको बना के सप्लाई करता था। SO साहब को किसी भी तरह से पता चला होगा, तो SO साहब ने इसकी भट्टी पे दबिश दी अपने क्षेत्र में, तो ये तो गंगा जी में कूद गए। मैं अपने बेटों के उसमें दो मुलजिम हाथ आ गए, वो बढ़नाला के थे, उनको पुलिस ने जेल भेज दिया, मुकदमा लिखा गया, उनमें इनके नाम थे संजू सन ऑफ जागन और जागन सन ऑफ लाखन सिंह, इनके नाम थे, ये बांछे चल रहे थे, तो पुलिस इनको पकड़ने आई थी पाली थाने की, जिसमें हमारे दादो क्षेत्र के चौकी इंचार्ज, सांकरा पुलिस चौकी इंचार्ज नीलेश वर्मा थे उनकी सपोर्ट में, और हरकेश यादव थे सेकंड दरवाजी, उनको लेके इस पर दबिश दी, पुलिस ने जागन सिंह को उठा लिया, गाड़ी में बिठा लिया, तो जागन सिंह के सारे लड़कों ने, पुतवुओं ने, बेटियों ने, 4-5 बेटियाँ, बेटी जागन घर पर ही रखते हैं, शादी वादी नहीं हुई है, एक की शादी हो गई थी वो भी घर पर ही रह रही है, तो ये एकदम उग्र हो गई, जब जागन सिंह को ले जाने लगे उग्र हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया, ऊपर छत से ईंट पत्थर आने लगे, ये समझ नहीं पाए पुलिस वाले, तो पुलिस ने भी बहुत जद्दोजहद की, पड़ोस वालों ने मुझे बताया, मैं भी घर से भाग के आया, तो पुलिस उस समय डंडा चला रही थी,